एक थोड़ा कठिन सवाल पूछूंगा। काफी लोग जो है दर्शक जो है जो कि नॉन मेडिकल्स हैं हमारे, उनमें एक शायद सवाल आता होगा कि काफी बार जो है हम ये स्ट्रोक पेशेंट्स रिकवर नहीं होते हैं पूरी तरह से। काफी बार उनको काफी सीवियर डेफिसिट रह जाता है, शायद चल फिर नहीं पाते हैं, या अगर चल फिर पाते हैं तो उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी वॉकिंग स्टिक पड़ती है जरूरत। तो इन पेशेंट्स में क्या हुआ है कि जो जो रिकवर कर जाते हैं और इनमें नहीं कर पाते, उनमें बेसिक अंतर क्या है? तो सर मेनली हम आ जाएंगे पहले इस्केमिक स्ट्रोक पे जिसमें क्लॉट होता है, क्योंकि वो एक ट्रीटेबल कंडीशन है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि वो दवाई मिली कि नहीं मिली, अगर मिली तो कितने टाइम में मिली। तो अगर अर्ली दवाई मिल जाती है, विद इन 3 आवर्स मिल जाती है, तो रिवर्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। उसके बियॉन्ड गए तो 4.5 घंटे में दे सकते हैं, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उनके मल्टीपल कॉम्पोनेंट पेशेंट, डायबिटिक था, हाइपरटेंसिव था, तो ये है। तो इस्केमिक स्ट्रोक में अगर मेरे को कंक्लूड करना है, तो अगर आप टाइम पे पहुंचे हो, अगर आपको दवाई ऑफर की गई है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और वो टाइम पे दवाई मिलती है, तो 3 मंथ्स डाउन द लाइन वीकनेस बहुत कम रह जाती है। तो वो अगर किसी में रह गई है वीकनेस, तो मे बी वो विद इन द टाइम हॉस्पिटल ना पहुंचे, स्ट्रोक उन्होंने पहचान नहीं पाए, या फॉर सम अदर रीजन, कॉम्प्लिकेशन के वजह से, एज की वजह से दवाई उन्हें नहीं दे। अब आते हैं सर, जो ब्लीडिंग होती है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स, या ब्रेन हेमरेज बोलते हैं हम, तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है कि उस पे स्पेस आउट पे कितना डैमेज हुआ है, कितनी मेजर ब्लीडिंग हुई है, और वो टाइम में क्या इंटरवेंशन हुआ, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। उसके ऊपर हमारा कंट्रोल मेडिकली इतना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि हम फर्दर डैमेज उसको प्रिवेंट कर पाए। एक बार जो वहां पे डैमेज हो जाता है, तो उसको अगर माइल्ड है तो माइल्ड है, मेजर है तो मेजर है। ज्यादा हम उसको सिर्फ मेडिकली, अगर पेशेंट हमारे पास टाइम पे आ गया, तो हम उसका फर्दर प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते।